नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी भोपाल की TIT कॉलेज में छात्रों के साथ एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। TIT कॉलेज में पदस्थ कर्मचारी पदम मंजरोई पर पैसे लेकर वापस न करने का आरोप लगाया गया है। कॉलेज प्रबंधन ने मामले को लेकर आनंद नगर चौकी में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। छात्रों ने बताया कि पदम ने उनसे पैसा मांगने वही अपने अकाउंट में लिया था, लेकिन वो पैसा कॉलेज अकाउंट में नहीं दिया गया था, जिससे उनका एडमिशन नहीं हुआ। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि पदम मंडारोई की छात्रों के साथ वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत के चलते जांच की गई, जिसमें शिकायत सही पाए जाने पर पदम टर्मिनेट कर दिए गए। वहीं आनंद नगर चौकी प्रभारी संतोष सिंह रघुवंशी ने बताया कि शिकायत के आधार पर जांच की गई है। पदम मंडारोई ने कुछ छात्रों के पैसे वापस कर दिए हैं, दो अन्य लोग के अभी बाकी हैं। फिलहाल जाँच जारी है। मैं तिमेश्वरी देवी GNM की स्टूडेंट हूँ। मैंने एडमिशन के टाइम पे पदम मंडराई सर को एडमिशन के लिए पैसा दिए थे, लेकिन पदम मंडराई सर कॉलेज में जमा नहीं किए, इसलिए मैं थाने में FIR दर्ज करा दी, लेकिन अभी तक पदम मंडराई सर मेरे पैसे वापस नहीं किए। मैं प्रियंका देवी GNM की स्टूडेंट हूँ। मैं एडमिशन के टाइम पे पदम मंडराई सर को पैसे दी थी एडमिशन के लिए, लेकिन उन्होंने कॉलेज में मेरा फीस नहीं जमा की, इसीलिए मैं FIR कराई, लेकिन अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं दिए। सर, ये के पदम मंडराई नाम का एक कर्मचारी था हमारा, जिसको कि कॉलेज के प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने अपॉइंट किया था अप्रैल में। तो इस बच्चे ने जब एडमिशन जो भी कराया है, उसमें ये सामने आया कि ये अपने खाते में पैसे लेता है, जबकि कॉलेज का अकाउंट है, एक रजिस्ट्रेशन अकाउंट है, जिस अकाउंट में बच्चों के पैसे आते हैं, और बच्चा स्वयं आके कैश भी अकाउंट में जमा कर सकता है, जिसकी कि रसीद लेता है। जब हमको ये जानकारी आई कि खातों में लेते हैं और ये कॉलेज के अंदर बच्चों को दूसरी दूसरी जगह ले जाके ऐसे मिलते रहते हैं, तो हमने इनसे पूछ परख किया। इसमें एक सामने आया मामला CM हेल्पलाइन का, जब बच्चे ने किया कि हमारी CM हेल्पलाइन में कंप्लेन किया कि हमारे 4,000 रुपये पदम मंडराई द्वारा ले लिए गए। जब उसने स्क्रीनशॉट भेजा और वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी, तो पदम मंडराई से उसकी बात करती हुई और पदम मंडराई के खाते में 4,000 रुपये का स्क्रीनशॉट आया। पदम मंडराई से इस बारे में बात की, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, जबकि सारे सबूत थे। वो समझाया गया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे, तो उनकी सेवाएं समाप्त की गई। उसके बाद जो भी उन्होंने एडमिशन कराए थे, उसका हम लोगों ने वेरिफिकेशन कराया, तो उसमें करीब 6-7 बच्चियाँ ऐसी आईं जिनके ये 6-8 महीना पहले से भी पैसे लिए थे, मतलब संस्था में ज्वाइन करने से पहले भी पैसे ले लिए थे कि हम संस्था में एडमिशन कराएंगे, और कंटिन्यू ये करते रहे। कुछ बच्चों के तो ये पैसे जमा करते रहे, लेकिन कुछ बच्चों के जमा नहीं करते रहे। इस तरह से करीब 6 बच्चों ने थाने में भी आवेदन दिया और हमें भी आवेदन दिया, जिसमें से 2 बच्चियों के पैसे अभी आज दिनांक तक भी नहीं मिले। कुछ बच्चियों के पैसे वापस कर दिया है इनने, जिन बच्चियों ने हमको सूचित भी किया है, जिसमें प्रभावती, सीमा, निशा और एक संजय नाम के 4 बच्चों के इनने पैसे वापस कर दिए हैं, और प्रियंका और तामेश्वरी करके जो बच्चियां हैं, इनके पैसे अभी तक भी उन्हें वापस नहीं किए हैं। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।